हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल अशोक मैकेनिकल ब्लॉग्स में। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंजेक्शन मोल्डिंग पीएलसी के ऊपर। मैं पीएलसी के ऊपर बहुत सारी वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो मेरी ढेर सारी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें। अब मेरी सारी वीडियो को सीरीज वाइज देखने के लिए मेरे प्ले स्टोर पर जाएँ और वीडियो को सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको इंजेक्शन मोल्डिंग की पीएलसी जो होती है इसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो पीएलसी के बारे में बहुत सारी वीडियो हैं, मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ जानकारी अपनी पिछली वीडियो में दे रखी है। तो आज का हमारा टॉपिक है इस पीएलसी के अंदर ये पेज है मॉनिटर के ऊपर आईक्यू का फंक्शन। हमारा लास्ट टॉपिक था आईक्यू का, तो ये आईक्यू के बारे में हम बता रहे हैं। तो आइए आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये आपका मॉनिटर पेज के अंदर आईक्यू में होता है इनपुट हैं और आउटपुट। आज हम जानेंगे इनपुट के बारे में। तो जैसा आप देख रहे होंगे ये इसमें से कोई लाइट जो है ये ग्लो कर रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है और ये लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, ऑफ है। ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये ग्लो कर रहा है। तो देखिए मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ इनपुट का मतलब होता है कि अंदर। तो मतलब जो इनपुट का मतलब होता है कि जो इसके अंदर करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर इनपुट का जो अंदर जो लाइट है उसके अंदर जो वर्क कर रहा है तो उसके लिए है। जैसे मान लो कोई फॉल्ट हो गया और आपको देखना है, तो अगर मशीन चल रही है रुक गई तो इसमें एक यहाँ पे अलार्म आ जाता है, ठीक है, उसमें पता चल जाता है। और उससे नहीं पता चला तो इसमें आके आप देख सकते हैं कौन सी लाइट ग्लो कर रही है, कौन सी ग्लो नहीं कर रही है, इससे आप इसका फॉल्ट पकड़ सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये ग्लो कर रहा है X00 एमरजेंसी स्टॉप, तो यहाँ देखिए स्टॉप है, ये ग्लो कर रहा है। देखिए एमरजेंसी हटा देंगे, ये देखिए ग्लो हो गया बंद। देखिए बोलते और एमरजेंसी लगे तो ग्लो होना चालू हो गया, तो ऐसे ही है। तो देखिए बैक गेट ये ओपन है तो ये ग्लो कर रहा है, इसकी वजह से मशीन रुक जाती है। ये फ्रंट गेट वन ये भी ओपन है, इसकी वजह से मशीन रुक जाती है। फ्रंट गेट टू ऑफ है और प्रोडक्शन डिटेक्ट है, ये भी ऑफ है। मोल्ड क्लोज एंड है, जब मशीन चलेगी तो मोल्ड क्लोज एंड होगा तो ये ग्लो हो जाएगा। डीकम्प्रेस फिनिश है, ये ग्लो कर रहा है। इंटर सिर्फ है SW ऑफ है। मोल्ड एडजस्ट काउंट है, ये भी ऑफ है। डाटा लॉक है, ये भी ऑफ है, ठीक है। नाइए इंजेक्शन प्रोडक्ट है, ये भी ऑफ है। नन है, ये भी ऑफ है। इंजेक्टर एडवांस एंड है, ये भी ऑफ है। इंजेक्ट डिटेक्ट एंड है, ये भी ऑफ है। कोर इन वन एंड है, ये भी ऑफ है। कोर वन आउट एंड ऑफ है। कोर टू इन एंड ऑफ है। कोर टू आउट एंड ऑफ है। नोजर एडवांस एंड, ये भी ऑफ है। नोजर डिटेक्ट एंड, ये भी ऑफ है। स्क्रू गियर, ये भी ऑफ है। लुब्रिकेटर सेलेंसर, ये भी ऑफ है। मोल्ड स्टार्ट मोटर स्टार्ट कंफर्मर, ये भी ऑफ है। कोर थ्री इन एंड ऑफ है। कोर थ्री आउट एंड ऑफ है। आर मोटर क्लोज अलाउ, ये भी ऑफ है। कोर वन आउट, ये भी ऑफ है। कोर टू काउंट, ये भी ऑफ है। तो देखिए
ये जो आप बता देखिए इसके आगे ये ग्लो कर रहा है और ये ग्लो नहीं कर रहा, उसके बाद समझ रहे हो कि जो वर्क कर रहा है उसके अंदर ग्लो हो जाता है, जो वर्क नहीं कर रहा है वो ग्लो नहीं होता है। इसके आगे नंबरिंग लिखे हुए देखिए X00, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X10 हो गया, 11, 12, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, ये X27। तो ये इनका जो वायर होता है इनपुट के अंदर जो वायर होते हैं उसके ऊपर जो केबल होती है उसके ऊपर एक ये नंबर लिखे होते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि हम फॉल्ट पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी इमरजेंसी लगा हुआ है, तो इमरजेंसी का मन इमरजेंसी का अभी आई है, इमरजेंसी के अंदर हम जब इसको खोलेंगे यहाँ पे इंजन खोलेंगे तो इसको वायर जो लगा हुआ है उस वायर के ऊपर जो है ये कोड होगा X00। ठीक है, तो यही होता है। और तो कुछ भी फॉल्ट होगा तो हम पता सकते हैं, इस नंबरिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आप आई होप कि आप मेरी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये होता है ग्लो का मतलब, कि ग्लो हो रहा है तो यानी ये एक्टिव है, ये वर्क में है, और ये ग्लो नहीं है तो वर्क नहीं है। और ये कोड होता है, नंबर होता है, जैसे वायर होते हैं तो आप किसी फोटो को अगर पकड़ना है, मान लीजिए अगर हमें यहाँ एमरजेंसी अगर ये स्विच काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जो भी है, तो हम इसके ऊपर जाएंगे और इस वायर देखेंगे तो इसमें इस वायर के ऊपर ये नंबर होगा। ठीक है, ये नंबर किस लिए होता है, और ये उसके नाम है, और ये इनपुट का है, मतलब कि अंदर का जो है, अंदर की जो चीज़ें हैं उसके बारे में जो है फॉल्ट पकड़ सकते हैं। अंदर से कोई ख़राबी हो गई तो उसके बारे में फॉल्ट पकड़ सकते हैं, कि जैसे बाहर से कोई बाहर से करंट जो अंदर ले जा रही है, अंदर का जो चीज़ वर्क कर रहा है उसके लिए होता है ये। तो आई होप मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं चाहता हूँ कि आप ये कोड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दो जो ये लगे हुए हैं। तो इस कोड के बारे में देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको मैं बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो पूरी देनी चाहिए ताकि आपके विजिबल हो। देखिए ये वायर है, वायर है, ये देखिए इस पर नंबर लिखा हुआ है, देखिए 9K है। ठीक है, तो ऐसे एक्स होगा, अगर यहाँ पे एक्स होगा तो इसमें एक्स था ना, X9। ठीक है, तो ये K है, ठीक है, तो एक्स ही है, देखिए X7 है, X9 है ना, X9 हो गया है, उधर आपको कैमरा सही से नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा होगा, देखिए मैं कोशिश करूँगा दिखाने के लिए, देखिए ये आपका X9 है, देखिए X9 हो गया है ना, तो इसी तरह होता है ये। और ये देखिए उधर आपको X7 दिख रहा होगा, X4 है वो, तो इसी तरह ये होता है। ठीक है, चलिए आइए तो देखिए, तो समझ में आ गया होगा, तो देखिए डाटा लॉक था ना X9 पे, तो ऐसे होता है, ये होता है कोड का मतलब। तो कुछ भी अगर अगर इसमें अलार्म आ गया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ की अगर X9 की बत्ती ग्लो हो गई है, सॉरी इसकी ग्लो हो गई है, तो हम इस पर जाके तुरंत इसका X09 का हम वायर देखेंगे तो फसल जाए कि यहाँ से दिक्कत है। तो आई होप मेरी वीडियो का आप समझ में होंगे, प्लीज़ ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।